हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे, यही मेरी दिल की दुआ है आप सब के लिए। दोस्तों, आज मैंने व्लॉग नई लोकेशन से स्टार्ट किया। ये देखे भाई साहब, कितनी प्यारी लोकेशन है और इस लोकेशन का नाम है त्रागबल। सामने आप देख सकते हो, मेरे सामने ये गुरेजी कैफेटेरिया। जितने भी हमारे गुरेज के लोग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ज़रूर भाई का सपोर्ट करना, यहीं पर विज़िट करें ज़रूर। लोकेशन एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। ये देखें, बांडीपोरा में। ये रहा बांडीपोरा का मार्केट, इसका नाम है गुलशन चौक बांडीपोरा। सबसे पहले बांडीपोरा के लोगों को मेरे दिल से प्यार भरा सलाम। बांडीपोरा के लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया मुझे YouTube चैनल में। सीधा मार्केट से मैं आया कॉलेज, यहाँ पर थोड़ा काम था, तो अभी हम जाएंगे कॉलेज, आपको भी दिखाएंगे ये कॉलेज। यहाँ पर बहुत काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है मुझे लग रहा है। बाहर पहले गेट नहीं था, आज यहाँ पर बाहर भी गेट है। कोशिश करेंगे कॉलेज को भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करें, तो चले ट्राई करते हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो देखते हैं अंदर जाके। मैं कॉलेज पे इंटर हो चुका हूँ, ये रहा कॉलेज, ये देखे। तो फिलहाल चलते हैं अंदर गाइस। फाइनली अभी मैं कॉलेज से आया ये वाली लोकेशन पे, मैंने सोचा आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत लोकेशन। भाई साहब देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, और ये रही टाउन बांडीपोरा। ये देखिए भाई साहब क्या व्यू है। वो रहा कॉलेज, यहाँ से मैं ट्रेक करके आया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ से आ गया ट्रेक करके। यहाँ से मैं ट्रेक करके आया सिर्फ और सिर्फ आपको ये व्यू दिखाने। ये देखिए भाई साहब क्या व्यू है, माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पर कौन कौन आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। बाकी आप यहाँ से कॉलेज देखें, कुछ ऐसा व्यू है कॉलेज का यहाँ से। अभी ये वाली लोकेशन से निकलते आए थे हम वो वाले रास्ते से, अभी हमने यहाँ से दूसरा रास्ता चुन लिया है, अभी हमें यहाँ से जाना है नीचे। चले भाई साहब चलते। बिल्कुल कहनूसर नाम की एक जगह पे आए थे, भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसका नाम है तारिक अहमद मीर। तो भाई ने हमें देखो क्या दिया यहाँ पर, मटर। देखिए यहाँ के लोकल मटर अभी तो हमारे गुरेज में तैयार नहीं हो गए, लेकिन यहाँ तैयार हो गए। देखिए भाई साहब पहले टेस्ट करेंगे कैसे यहाँ के मटर। बिस्मिल्लाह, सेम टेस्ट है लेकिन ये थोड़ा मोटे दिख रहे हैं, जैसे पंजाबी वैसे दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ से देखो कितना सारा भर के लाया हमारे लिए, खड़मुल्ला। तो अभी हम कहाँ तक जाने वाले हैं? व्यू पॉइंट तक। यहाँ से कितना दूर है व्यू पॉइंट? एक किलोमीटर होगा। तो चले बिस्मिल्लाह करते भाई जान। हमारी खांडे एक्सप्रेस निकल चुकी है, फिलहाल हम निकल चुके हैं व्यू पॉइंट की तरफ। बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ आगे, वहाँ जाके हम आपको वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। फाइनली हम अभी पहुँच चुके हैं व्यू पॉइंट पे, ये रहा व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट पहुँच तो चुके लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए सामने कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टेक्ट करें, फ़ोन करें, भाई जान तैयार है आपको यहाँ पर लेकर आएगा। तो बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, बात करें भाई से। तो फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ ये व्यू पॉइंट। भाई साहब ये देखे कितना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप यहाँ से भी आओगे तो फिर भी आपको बोट लेनी है, वहाँ से यहाँ तक आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पर 20 रुपीज़। भाई जान बोल रहा था, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से वहाँ से यहाँ तक तो 20 बहुत मायने रखते, लेकिन कर क्या सकते, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस बारे में थोड़ा ध्यान दे। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये 20 कम है या ज़्यादा है, वो आप डिसाइड करें। बांडीपोरा में जो मार्केट में मछली आती है ना वो यहीं से आती है। आई कोई मछली?
अभी तक नहीं आई। कितने कांटे लगाते हो? एक एक 1000 लगाते हैं। 1000? ओह ओह, अगर 1000 मछली आ गई तो बोर्ड लेकर जाएंगी। इससे कभी हो नहीं सकता। कितने आती है दिन में? बस ऊपर वाली जानते हैं, कभी 100 भी, 50 भी, 30 भी, 25, इसमें कोई लिमिट नहीं। मतलब दिन का हो जाता है 50 या उससे कम ही हो जाता है कभी कभी। हम भी देखेंगे चाचा जी, अगर कोई मछली पकड़ेगा तो हम आपको भी दिखाएंगे। नहीं अभी कहाँ पकड़ेंगे, फिर कल सुबह। अभी डाल के रखना है? हाँ। फिर बोट को ऐसे ही रखना है यहीं पर बीच में? नहीं, बोट मतलब यहीं पर रखना है? नहीं, ये घर जाएगा ना, फिर सुबह वापस आएगा बोट लेके, फिर उठाएगा ये। अभी तक कितने बिछाए? क्या यही कांटे कितने बिछाए? 50-60। आप वहां पर भी थे ना, वहां पर कुछ बिछाया? नहीं नहीं, हम उधर से आया हूं बस। अच्छा, वहां से आए? बस अब सुबह आ जाओगे? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर यहाँ पर मछली आएगी फिर मार्केट में जाएगी, लेकिन मेहनत हर चीज़ पे लगती है। ये दिखने में आसान लग रहा है। ऋषिक देखिए पहले बोट पे कैसे बैठा है विदाउट टेंशन, अगर बोट डूब गई तो ख़त्म। कितना गहरा होगा नीचे पानी? हाँ? कितना गहरा होगा पानी नीचे? 15-16। ओह ओह ओह, आपके घर यही है? हाँ, पास में। ये साथ में? आप खिड़की से भी पकड़ते होंगे बाहर ये कांटा डाल के? नजदीक है ना? नहीं नहीं, आती है लेकिन वहाँ शोर है ना। मतलब ज्यादा मछली किनारे पे नहीं बैठती है, बीच में बैठती है, सेंटर पे। किनारे पे वे आती है मछली, लेकिन वहाँ डिस्टर्ब होती है उनकी। फाइनली अभी हम यहाँ से निकल चुकी है। ये था व्यू पॉइंट, आप दिखाए व्यू पॉइंट। तो अभी हम व्यू पॉइंट को बाय बाय करने वाले हैं। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।